तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसको जिस कंट्रोलर में स्लो, बहुत ही स्लो चल रहा था ये गाड़ी, तो उस कंट्रोलर को मैं कैसे फास्ट किया हूँ आज आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, उस कंट्रोलर को तो मैं नहीं रिपेयरिंग करने वाला था क्योंकि मैंने तो बता दिया कि दोनों से कौन सी चीज़ एक खराबी होगा, मोटर है यानी कंट्रोलर है। तो मैंने मोटर को चेंज करके देखा तो वही चल रहा है, तो कंट्रोलर में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो और भी एक प्रॉब्लम आती थी कंट्रोलर में, चलते चलते बीच रास्ता पे जब भी उसमें ज़्यादा हीट होती है उस कंट्रोलर रुक जाती है, गाड़ी नहीं चलती। जब भी थोड़ी ठंडी हो जाती है वो गाड़ी, तब भी वो चलना शुरू होती है। तो उस कंट्रोलर में क्या क्या मैं चेंज किया हूँ, क्या छेड़खानी किया है, क्या क्या निकाला है मैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं हम उस कंट्रोलर को। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुएल, आप सभी देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड। चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कंट्रोलर को मेरे सामने है, तो इसको सबसे पहले आप लोगों को सर्किट को दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए कंट्रोलर के सर्किट है ये, तो इसमें कि मैं क्या छेड़खानी किया हूँ, क्या रिपेयरिंग किया हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो 8 मॉस्फेट है, मॉस्फेट को ही मैंने निकाला। तो देखिए, आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे काम किया है तो देख सकते हैं मैंने कौन सा क्या क्या रिपेयरिंग किया। तो देखिए, एक कैपेसिटर है, इसको भी मैंने एक बार निकाल के डाला क्योंकि मेरे इसमें भी थोड़ा सा संदेह था कि ये भी ख़राब हो सकती है। तो ये भी नहीं ख़राब था, ये भी ख़राब थे और एक चीज़ ख़राब थे, तो दोनों चीज़ के लिए हमारा गाड़ी स्लो चलती थी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने रिपेयरिंग तो किया हुआ, अभी मैं रिपेयरिंग करने के पहले भी जो हमारा मीटर में आती है अभी भी वही आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैंने तो ये मॉस्फेट को निकाला, मॉस्फेट को निकालने का बाद हमने जो ये ट्रांजिस्टर लगा रहे थे, एक कैपेसिटर है ऊपर वाली और एक नीचे वाली जो है ट्रांजिस्टर है, तो इसको इन दोनों को मैंने चेक किया। तो ये जो नीचे वाले ट्रांजिस्टर है, हम सर्किट को उल्टा कर देते हैं, जो ए वाले हमारे ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हैं, ए ट्रांजिस्टर है, इसी के प्रॉब्लम से ये हो रहा था। और एक दोस्तों बात, आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयरिंग करें, रिपेयरिंग करने के बाद आपको थिनर से इसको क्लीन कर देना है। तो मैंने तो क्लीन नहीं किया हुआ अभी, तो इसको मैं निकाल के ही छोड़ दिया हूँ। तो ये जो सोल्डिंग किया हूँ मैं, तो हमारा जो लोड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छा कुछ खास नहीं थी, इसलिए अच्छी सोल्डिंग नहीं हो पाया मेरे से। तो मैं बाद में मैं ठीक से सोल्डिंग कर लूँगा। तो ये भी थोड़ा सा किया था, इसमें कुछ छाल खराबी देखने को मिला इसलिए किया था। तो ये मॉस्फेट और ये ट्रांजिस्टर, इन दोनों को ही चेंज करने से हमारा ये जो कंट्रोलर सही हो गया। सही होने के बाद मेरा भी संदेह था कि ये हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या किया, मेरा तो गाड़ी पे डाला था, गाड़ी पे डाल कर चेक किया तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एकदम सही चल रहा है, जैसे नया कंट्रोलर है इसी तरह से स्पीड चल रहा है, बहुत ही अच्छी हुआ। तो देखिए दोस्तों, आप कभी कभी ऐसा हो तो देखिए, सबसे पहले आप इस बात, तो मैं एक बात और एक बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो इधर से तो मल्टीमीटर से कल ही आप लोगों को दिखाया था कि इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, लेकिन बात वही आ रहा है। तो आप लोगों को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, देखिए एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, तीन ग्रुप है, तो इन तीन ग्रुप को एक एक करके चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन सा खराब है कौन सा सही है। तो मल्टीमीटर से तो नहीं पकड़ा गया, तो इसमें ख़राब तो नहीं थे, ये शॉर्ट नहीं थे, इसमें कुछ वैल्यू जो हमने इसमें चेक किया, वैल्यू इसमें सभी में चेक किया, तो इसमें कुछ अलग आ रहा था, थोड़ी सी 2-4 पॉइंट के डिफरेंस आ रहा, इसमें 1-2 आ रहा था, कुछ बात नहीं सभी में ठीक आ रहा, तो इसमें कुछ अलग ही पॉइंट आ रहा था। तो देखिए, इसमें आ रहा था, मान लीजिए कि इसमें 12 आ रहा था तो इसमें आ रहा 15, तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया। और जो ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को मैं चेंज किया, इन दोनों का ही चेंज करने से मेरा जो कंट्रोलर है एकदम सही हो गया।
तो दोस्तों मेरे से आपका भी इस तरह से कंट्रोलर आए तो आप भी इन दोनों को मार्क चेंज करके आप अच्छी तरह से इसको चेक कीजिए। ये जो कैपेसिटर रहती है हमारा कैपेसिटर PF EF वगैरह वगैरह, इधर पे देखिए बहुत ही छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड और भी बहुत कुछ लगा रहती है, इसको भी आप चेक कर लीजिए। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आप लोगों को इसमें 48 वोल्ट इनपुट करना पड़ेगा, इनपुट करके आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, सबसे बढ़िया तरीका है। इस तरह से आप चेक करते हैं तो आपका जल्दी से इसका क्या ख़राबी है पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा डाल देता हूँ, तब भी आप एक म्यूजिक सुन लीजिए। तो अच्छी तरह से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया, और भी कोई दिक्कत हो रही है आपको कंट्रोलर रिपेयरिंग करने में तो हमको कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। आप मेरे एक वीडियो पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस वीडियो से मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए किसी को ईरिक्शा के काम सीखना है, कंट्रोलर का रिपेयरिंग करना सीखना है तो मेरे घर में आकर सीखना। मैंने तो जितना भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, इस YouTube चैनल में जुड़े रहिए, आप लोगों को पूरा पता चलेगा। मैं धीरे 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 इसका जो पूरी डिटेल्स में जानकारी दे दूंगा। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो को जानकर आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। और आप अगर इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो घंटे उसे भी ना दबाना भूलना, तो क्योंकि हमारा इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे।